इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर मैं बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, एक प्रैक्टिकल यहाँ पर परफॉर्म करके बताऊँगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे उसको लेक्चर में। तो सबसे पहले मटेरियल्स जो मेरे पास हैं, ये प्लास्टिक कॉम है, ये ग्लू स्टिक ग्लूगन में यूज़ होती है, और ये पोलिथीन का रोल है, तो ये भी एक तरह से रोड की तरह रोड की फॉर्म में हो गई। और ये है मेरे पास नायलॉन, तो ये नायलॉन का क्लॉथ है, बेसिकली मेरे बाइक का कवर है। ठीक, कार का कवर यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला का कवर यूज़ कर सकते हैं और इस पर्पज़ के लिए। और नायलॉन से ही जो वाटरप्रूफ अगर आप बैग हैं, चाहे हमारा रेनकोट है, वो सब इसी नायलॉन के मोस्टली बने होते हैं। और सुबह को जॉगिंग वगैरह के लिए जाते हैं, ट्रैक सूट जो है सर्दी में स्पेशली, वो भी सब नायलॉन के हैं। ठीक, तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, पहले ये मेरे पास एक पॉलिथीन वाली है स्टिक है ना। तो अभी यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये पेपर की कटिंग है ना। तो ये अभी कुछ भी अटैक या रिपल्शन इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको रब करता हूँ से, तो जब रब करूँगा, तो रब करने के बाद देखते हैं, तो कुछ अभी एक पेपर अट्रैक्ट हुआ है बस। ठीक, तो अब इसको और ज़्यादा रब करते हैं, तो हाँ, तो जितना ज़्यादा रब करूँगा उतनी ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर आती है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आ रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अभी यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ठीक, तो एक पेपर है और दूसरा पेपर को उसको भी ये अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक, तो अब इसको छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद हम कॉम को लेते हैं, प्लास्टिक कॉम है, अभी कुछ भी नहीं है, इसको रब करते हैं इसके साथ। नहीं, इस तरह तो ये सबको अटैक कर रहा है। अब क्यों अटैक कर रहा है, इसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास ग्लू स्टिक, इसको भी रब करके देख सकते हैं। ये भी अटैक कर रहा है, और इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं। ठीक, कोई भी मेटल नहीं है, सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं है इनमें, ये सारे के सारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर हैं तभी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो अभी इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद